हल्द्वानी के एमबीपीजी महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सर्वोदय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम कराया है। इस कार्यक्रम में जिले की प्रभारी रेखा आर्या शामिल हुई। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार मुख्यमंत्री उदीयमान योजनाएं चला रही है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी स्टेडियम समेत अन्य व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। इसके साथ ही बालक बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दी जा रही है, जिससे कि हमारे राज्य में छात्र और छात्राएं बेहतर प्रदर्शन कर भविष्य में खिलाड़ी बनकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी ये सतत कोशिश है कि हम खिलाड़ियों के लिए संसाधनों का विकास करें और जो संसाधन विकसित हुए हैं उनको हम मेंटेन करते हुए समय से समय पर उसका उपयोग बच्चों के लिए बना रहे, उसको विवाह सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। आने वाले समय में यह भविष्य है कि हम हल्द्वानी में ही हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, जिसमें हमारा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम उसमें मर्ज होगा और फिर उसमें खेल की सभी एक्टिविटी कंटिन्यूटी के साथ में की जाएगी। वर्तमान में भी स्टेडियम का बहुत हद तक उपयोग जो है खेल विभाग लगातार, चाहे वो प्राइवेट संस्था वहाँ पे कोई प्रतियोगिता कराना चाहे उस दृष्टिकोण से भी, और लगातार विभाग में चाहे खेल महाकुंभ हो, उद्यमान उन्नयन योजना हो, 13 से 14 से 23 वर्ष तक के खेल प्रोत्साहन राशि धनराशि के संदर्भ में युवाओं का चयन प्रक्रिया हो, सभी चीज़ें जो हैं वो उस फील्ड के माध्यम से की जा रही हैं। तो ऐसा कहना कि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि अभी और बहुत कुछ किया जाना है जिसके लिए हम प्रयास